हल्द्वानी में बिजली के बढ़ते दामों, बढ़ती बेरोजगारी समेत भू कानून और मूल निवास को लेकर एक बार फिर लोगों ने हुंकार भरी है, जिसको लेकर शहर के बुद्ध पार्क में स्वराज सेवा दल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बृहद धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि धरना प्रदर्शन में पहुंचे लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन, संस्कृति, उत्तराखंड का पानी और जवानी यही के काम आ सके, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी क्रम में स्वराज सेवा दल के वक्ताओं ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार ने अगर आम आदमी का शोषण नहीं रोका तो जनता आने वाले चुनावों में सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पर भू कानून की बात कर रहे तो मुकदमा लिखने के लिए इतनी बड़ी फोर्स लगा दी है क्यों? और हम मूल निवास, भू कानून, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे। हम बिजली के बढ़ते हुए दामों पर हजारों करोड़, ये लोग हमारे दाम बढ़ा रहे, हजारों करोड़ रुपए का घोटाले का हमने पर्दाफाश कर दिया और आज तक के अधिकारियों के कान से जूनी रंग रही है। इस प्रदेश में गलत नहीं होने देंगे, उत्तराखंडी है, क्रांति लिख देंगे। देखिए, स्वराज सेवा दल द्वारा एक जुलूस की अनुमति मांगी गई थी जिसको अनुमति नहीं है और आज ये बुद्ध पार्क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा यहाँ पे लगाई।